नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आने वाले बजट स्तर को लेकर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि कांग्रेस इस स्तर में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि मौजूदा सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है और हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि सत्र के दौरान पार्टी की तरफ से सहकारिता, आयुष्मान, खनन और एफपीओ समेत विभिन्न घोटालों के मुद्दे को उठाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल रोजगार निगम की गड़बड़ियों, युवाओं को युद्ध क्षेत्र इसराइल में भेजने, हरियाणा की भर्तियों में बाहरियों को प्राथमिकता देने, भर्ती घोटालों और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा बढ़ते नशे, एससी बीसी बच्चों का वजीफा बंद होने, एससी वर्ग की योजनाओं, शिक्षा के गिरते स्तर, किसानों की स्थिति, मौसम की मार, बाढ़ के मुआवजे, परिवार पहचान पत्र की गड़बड़ियों, सड़कों की खस्ता हालत और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को भी प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। अलग अलग मुद्दों को लेकर विधायकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। विधायकों की तरफ से सदन में स्थगन और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए जाएंगे। बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आने वाले बजट से जनता को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने प्रदेश पर कर्जा बढ़ाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। ग्रुप सी की भर्ती में लगे धांधली के आरोपों पर हुड्डा ने कहा कि सरकार को युवाओं की ओर से की जा रही शिकायतों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लगातार भर्तियों में सामने आ रही अनियमितताएं बेहद दुखदाई हैं। प्रदेश में बढ़ रही फिरौती और फायरिंग की वारदातों पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार ने कानून व्यवस्था का दिवाला निकाल दिया है। अपराधी बेखौफ है और जनता डर के साए में जी रही है। गुहाना में माथुराम की जलेबी वाले को मिली फिरौती की धमकी के बाद रोहतक और सांपला में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सांपला में सीताराम हलवाई की दुकान पर बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई, जिससे इलाके में लोग डरे हुए हैं। वह खुद सांपला जाएंगे और दुकानदारों और स्थानीय लोगों से मिलेंगे। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।